धीरे धीरे जब जिस्म से रूह निकल रही थी, तब मेज पर रखी घड़ी एक नए किरदार में ढल रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो इस शख्स ने समय की अहमियत जानी थी। हो सकता है सुधर कर इसने इतनी ही जिंदगी बितानी थी। खैर, जो भी हो, अब तो ये घड़ी बस लावारिस रखी एक आखिरी निशानी थी। क्या बीती होगी उस घड़ी पर, क्या बीती होगी उस घड़ी पर, किसी की दिनचर्या से बेदखल हो जाना, चारों ओर बस दीवारों से घिर जाना, किसी को अपना हाल ना सुना पाना और रो रो कर फिर खुद ही चुप हो जाना। इन आखिरी निशानियों की आजकल कहां कदर होती है। दो दिन सीने से लगती हैं, फिर ये भी बेघर होती हैं। वो दिन पुराने थे जब इन्हें महफूज रखा जाता था, यादों के कारवां का इन्हें कभी दर्जा दिया जाता था, समय समय पर इज्जत से नवाज कर फिर इन्हें रजा दिया जाता था। हाँ, तो बात थी उस घड़ी की। ऐसा नहीं कि अब वो बिल्कुल अकेली है। एक बिलात की दूरी पर अभी भी रहती उसकी सहेली है। अक्सर कलाई के नजदीक ये कलम ही रहा करती थी। हैं बहुत से राज जो घड़ी सिर्फ उससे ही कहा करती थी। कुछ दिन में इन्हें भी अब दूर कर दिया जाएगा और ऐसी किसी कविता में इनके प्रेम प्रसंग को मशहूर किया जाएगा। तो फिर अब कहां मिलना हो पाएगा। शायद अब तो दिवाली की सफाई के वक्त ही इनका निकलना हो पाएगा। एक बात जो आपको मेरे सिवा कोई ना बताएगा, सुनो। अब ना पहले से रिश्ते रहे, अब ना पहले से रिश्ते रहे, ना अब वैसी दिलचस्प कहानियां हैं। गौर से झांको हर कोने में, वजूद को तरसती बस कुछ आखिरी निशानियां हैं। अपने आंगन में जाने वाले की मौजूदगी को इस कदर भर लेना, अपने आंगन में जाने वाले की मौजूदगी को इस कदर भर लेना कि वसीयत पर दस्तखत से पहले उनके हाथों से दो नन्हे पौधों को अपनी धरोहर कर लेना, अपनी धरोहर कर लेना।